ये भेज दिया ऊपर तो अभी नीचे ही ना आ जाए दोबारा से। फिर ये जाने लगा मेरा है, ये चला गया ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग करते हैं हम स्टार्ट। जी दोस्तों, आज के ब्लॉग में ना इतना कुछ तो बताने के लिए नहीं, मगर ये है कि हमने ना अपना जो सा सेटअप है ना खाली कर दिया बिल्कुल। तो अभी ये देखिए, ये भी पिंजरा खाली हो गया क्योंकि मैंने जाके अपने सारे बर्ड ना मार्केट में जाके ना सेल कर दिए हैं। इस बार ना मैं कुछ बड़ा सोच रहा हूँ लाने के लिए, तो इसलिए मुझे ना ये अपने बर्ड वगैरह ना सेल करने पड़े। तो बाकी मैंने फिंचिस को अपने पास रखा है और ये रह गए थे, बच गए थे ना, मार्केट में सेल नहीं थे हुए, तो ये अभी हमारे पास हैं। तो बाकी जो है ना, हमारी फिंच ने ना बच्चे निकाले थे, एक तो मर गया था, बाकी दो को मैंने अलग कर दिया कि वो आगे से ब्रीड कर दें। ये देखें अभी उनको नेस्टिंग मटेरियल भी डाला है कि वो जल्द से जल्द ब्रीड करें। इनकी जिनके ये बच्चे हैं ना, इनके माँ बाप ने फिर से एग ले कर दिया, मगर दूसरी जो से हमने पेयर लगाया हुआ है ना, उसने अभी तक ना अंडा नहीं निकाला, वो अभी तक उसने अंडा निकाला। तो बाकी जो दोस्तों हमारी जो सी मुर्गियाँ हैं ना, इनको तो हमने पास रखे, घर वाले कहते हैं इनको सेल नहीं करना। तो अभी एक मुर्गा ना हमारे घर पता नहीं किधर से आया, तो अभी हमने इसको बंद नहीं किया। ये देखें, ये मुर्गा कहीं से आ गया, हमारे छत से आया, इधर से आया है शायद, इधर से गिरा तो सीधा नीचे आ गया। तो अभी देखते हैं जिसका होगा आके ले जाएगा। तो ये है आगे हमारा मुर्गा और ये वाला मुर्गा ना आपस में फाइट कर रहे थे। तो बाकी जो है ना दोस्तों, हमारे ना मुर्गी जो सी है ना, अंडे देना भी बिल्कुल बंद कर रही हैं। अब तो सर्दियाँ आने लगी थी आगे से, यही महीना हमारे गर्मी आएगी है सितंबर में, वरना सर्दी आ जाती ना। तो मेरा मैंने पहले ही बर्ड ले आने थे जो सा मैंने करना था आगे से शौक, तो मगर सर्दी नहीं आई इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो आज मेरा ब्लॉग बनाने को दिल कर गया कि मैं बता दूँ आप लोगों को हमारे सारे बर्ड ना हमने सेल कर दिए हैं। इस बार ना मैं सोच रहा हूँ कुछ बड़ा लाने का ना, जैसे कि अभी तो सोच रहा हूँ कुछ सेटअप वगैरह बनना चाहिए तो जिसके अंदर हम अपने बर्ड वगैरह रखते हैं। तो बाकी ये मुर्गा जिसके ना, और देखते हैं उसका इंतज़ार करते हैं, आता है और आके ले जाएगा ना, तो उतनी देर देखते हैं इसका, नहीं मिलेगा तो फिर हम दोबारा ना छत पर इसको भेज देंगे, जिसका होगा वो वहाँ से ही वहाँ चला जाएगा। नहीं दोस्तों, अभी तक तो कोई भी नहीं आया, ऊपर जुम्मे का टाइम हो गया, तो मैंने कहा वापस हम ना इस साइड पे भेज देते हैं, क्योंकि हमारे हमसाए ना पीछे, उनके पास भी असील मुर्गियाँ हो सकता उनका हो, मगर आया इस साइड से था, तो कोई पता नहीं, इधर भेज देते हैं हम अपने छत पर ना, उधर से चला जाएगा। तो अभी अजान लो यार, ये देखें ये भेज दिया ऊपर तो अभी नीचे ही ना आ जाए दोबारा से, फिर ऊपर जाना चाहिए इसको, वो ऐसे काटने को पड़ता है। तो बाकी अभी मैं अजान ऊपर जाओ यार, उसको ऊपर वाले छत पर ना ले जा, नहीं काटेगा जा ना। अजान तो चला गया, अजान ना जा, पकड़ ले पकड़ ले, नीचे नहीं आएगा, जा नहीं ये काटेगा, नहीं काटता। ये जाने लगा मेरा है, ये चला गया ऊपर, चला गया, ओके हो गया जी, वो उनका ही था इसलिए उसको पता था कि ऊपर जाना, तो चला गया, बाकी हमारी टेंशन खत्म होगी। तो बाकी हमारी मुर्गियों ने ना यार, ये देखो बहुत ज़्यादा गन, इनका भी इनके लिए भी हमें ना कोई आइडिया होना चाहिए कि इनका सारा गन ना बाहर आ जाए और इनका पिंजरा साफ रहे। तो बाकी जो है ना हमारी फिंचिस को, बाकी अपनी फिंच का देखते हैं हम, हो सकता आज अंडे दूसरे पिंजरे भी दे दिए हो, तो देखते हैं अभी हम ना अपनी फिंच के पिंजरे के अंदर ना क्या क्या प्रोग्रेस चल रही है। यार एक तो ये ना आड़ू की पेटी में से मिलता है, तो आजकल बहुत मुश्किल से मिला मुझे ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल से, वैसे मिल नहीं था रहा, 3-4 दिन लगा था ढूंढने के बाद ना इतना सा बस मिला, तो बस शुक्र है यार उन्होंने अपने ना घोंसले पूरे कर लिए हैं, तो आराम से हो जाएंगे पूरे। तो बाकी हम देखते हैं अंदर कुछियों के अंदर उनकी। नहीं जी दोस्तों, एक अंडा इसने दिया हुआ है,
ये उनके माँ बाप ही हैं जिन्होंने दिया हुआ, बाकी दूसरी कुची में देख उस पर क्या है। और दूसरी कुची में तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, तो बाकी ना ये भी जल्द मुझे लगता है अभी नेस्ट कंप्लीट कर लेंगी। बाकी दोस्तों जो है ना हमारी फिंच ने ना वो भी इंशाल्लाह जल्द अंडे देगी, तो आप लोग ना गेस्ट करें कि हम अगले परिंदे कौन से लाने लगे हैं जिससे हम ब्रीड लेंगे। तो वो मुझे बचपन से ही शौक था वो वाले बर्ड लाने का ना, तो आप गेस्ट करें कौन से लाऊंगा। तो बाकी वो मैंने ये भी सोचा कि ये वाला पिंजरा देखें ना हम दूसरे इस तरह के पिंजरे ना जो सब आठ पोशन वाले उस तरह के केज लाएं वो बहुत फ़ायदेमंद है यार। इसमें से ना जब भी हम पिंजरे का दरवाज़ा खोलते हैं ये पूरा इतना खुल जाता है, मगर ये इसका थोड़ा सा खोलना पड़ता है, बर्ड उड़ नहीं पाता ना, भाग नहीं सकता। आपको पता है ना इधर से हमारे ना नीचे से नीचे हम फिंच बंद करते थे मगर फिंच हमारी उड़ जाती, मगर इसलिए ना हम इसको बेचने जा रहे हैं। ये जौन सा हमारे काम नहीं अभी तो नहीं, जब मेरे ख्याल से अभी तो सीज़न आ गया ब्रीडिंग सीज़न, ठीक है अभी तो मुश्किल है हमें वो वाले परिंदे मिले, तो थोड़ी देर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों अजान को मैंने कह दिया कि इनका दाना पानी चेंज करते हो, बाकी क्योंकि जुमे का टाइम हो रहा है और सबको भी जुम्मा मुबारक, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। यार इतनी देर हो गई ब्लॉग नहीं, इसलिए बना रहा था कि थोड़ा सैड हो गया था कि यार इतनी मेहनत करने के बावजूद भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं मिलते। तो बाकी दोस्तों आप लोग जितना भी आज तक प्यार दिया उसके लिए भी बहुत शुक्रिया, तो आगे से भी करें। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।